बच्चों नमस्कार, शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको गुणनखंड विधि से पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना बताऊंगा। जो पूर्ण वर्ग संख्याएं मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है कि पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, तो आज उन संख्याओं को वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा, उनका वर्गमूल हम लोग निकालना सीखेंगे। देखिए, वर्गमूल गुणनखंड विधि के द्वारा हम निकालते हैं, बहुत ही आसान होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं बच्चों। अब इसके गुणनखंड करेंगे तो आप सबसे पहले हम दो से भाग देंगे। दो एकन दो, दो अट्ठे सोलह बच्चों, दो नीम अठारह, और उसके बाद दो से जाएगा नहीं, फिर तीन से करेंगे, तीन तिया नौ, और उसके बाद बच्चों तीन एकम तीन। तो ये हमारे गुणनखंड उसके हुए। तो गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए यार, 36 का वर्गमूल क्या होगा, 36 का वर्गमूल बच्चों क्या होगा, तो यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे लिखेंगे हम 36 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक जोड़ा तो 2 का बन गया है और एक जोड़ा 3 का बन गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस प्रत्येक जोड़े में से एक अभाज्य गुणनखंड ले लेंगे बच्चों, ठीक है, और फिर उसको गुणा कर देंगे। यानी कि एक 2 इससे ले लिया और 3 इससे ले लिया और इनको गुणा कर देंगे, तो कितना आया 6। तो 36 का जो आपका धनात्मक वर्गमूल हुआ बच्चों वो हुआ 6। इसी प्रकार से ऋणात्मक वर्गमूल जो होगा वो हो जाएगा -6, ठीक है। तो इसके दो वर्गमूल हो जाएंगे, 36 का वर्गमूल एक आपका 6 तो होगा लेकिन ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एक होगा धनात्मक और एक 36 का वर्गमूल बच्चों ऋणात्मक। वर्गमूल हमेशा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। तो इसी प्रकार से हम इसको यदि लिखना चाहें तो हम प्लस माइनस 6 भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा 6 निकला, तो 6 जो होगा प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, तो ये होते हैं वर्गमूल इसके, ठीक है। क्योंकि जब हम प्लस 6 का या माइनस 6 का वर्ग निकालेंगे तो वो 36 ही आएगा। मैंने आपको ये पिछले वीडियोस में बताया है, उसको देखिएगा समझिएगा। शिवाजी की पाठशाला पे जाना, वहाँ पे प्लेलिस्ट है क्लास 8th की गणित की लेक्चर्स की, उसको देखिएगा और समझिएगा। चलिए 144 का हम यहाँ पे निकालते हैं। दो से करेंगे बच्चों, 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 नीम 18 बच्चों, और 3 3 9 और 3 1 3। अब देखिए 144 के गुणनखंड क्या क्या हुए, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। कि जोड़े बनाइए, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, कितने जोड़े बने, सब जोड़ों में से एक एक ले लेना है। इस जोड़े में से 2 ले लेंगे, इस जोड़े में से 2 ले लेंगे और इस जोड़े में से 3। आप देख रहे हैं सबके जोड़े बन गए, तो कितना हो गया, 2 2 4, 4 3 12। इसका मतलब 144 का वर्गमूल क्या हुआ बच्चों, 144 का वर्गमूल इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इसको प्लस माइनस दोनों होंगे कितना, 12, और यही आपका बच्चों क्या है, आंसर है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं प्लस माइनस में। चलिए एक क्वेश्चन में आपको और करवा देता हूँ। यहाँ पे दिया है 536,
इसका मुझे निकालना है, तो देखिए निकालते हैं। सबसे पहले तरीका वही रहेगा बच्चों, 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है, फिर 1 चला जाएगा आपका इधर, 2 6 12, फिर 1 2 8 16, ठीक, फिर 2 1 2, 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12, 2 7 14, फिर उसके बाद कितना होगा बच्चों, 236, उसके बाद ये जाएगा, उसके बाद ही जाएगा। एक्चुअली ये संख्या हमने गलत ले ली है, इसलिए ये आगे नहीं जाएगा। तो इसको एक काम करते हैं, हम इस संख्या को चेंज करेंगे, क्योंकि हमें पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है, और ये 536 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या 576 होगी। और 576 को अब इसका वर्गमूल निकालना है। तो ये देखिए 2 दूनी 4, 2 8 16 और 2 8 16, ठीक, 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 2 6 12 बच्चों, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, फिर आपका क्या जाएगा, 3 3 9, और फिर जो 3 1 3, ठीक। तो इस प्रकार से ये हमारे गोल्डन खंड हुए, 576 के गोल्डन खंड जो हुए उनको लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो बच्चों आया है 2, एक दो तीन चार पाँच छः, उसके बाद 3 जो आया है हमारा वो 2 बार आया है। तो अब यहाँ पे करना क्या है, जोड़े बनाने हैं, और इन सभी जोड़ों में से एक एक हम ले लेंगे, एक एक डिजिट ले लेंगे। देखिए अब यहाँ पे इसको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, तो 24 हो गया बच्चों। तो यहाँ पे 576 का वर्गमूल क्या हुआ, प्लस माइनस 24 होगा, क्या होगा बच्चों, प्लस माइनस 24। यदि धनात्मक आपसे पूछा जाएगा तो आप प्लस 24 लिख देंगे, और ऋणात्मक पूछा जाएगा तो माइनस 24 लिख देंगे। तो ये था आपका एक क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको समझाया। एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप आसानी से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, 2025 का वर्गमूल हमको निकालना है। तो उसी प्रकार से विधि बिल्कुल सेम रहेगी, अभाज्य गुणनखंड, ये गुणनखंड विधि जो होती है इसमें हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, इनका आगे और टुकड़े नहीं हो सकते। तो फिर 2 से, आप देखिए 2 से ये होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो ये 2 से हो नहीं सकता, और ये 5 इसके लास्ट में होता है, 5 से हो जाता है। 5 4 20, 0 5 25 बच्चों, फिर ये 5 से जाएगा, 5 8 40, 5 1 5, फिर बच्चों ये 3 से जाएगा, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, और 3 3 9, और 3 1 3। तो आप देख लीजिए 2025 के गुणनखंड क्या हो गए, 5 × 5 × 1 2 3 4, 3 आपका 4 बार आया है, 1 2 3 और 4, ठीक। तो देखिए एक ये हो गया जोड़ा, एक ही जोड़ा हो गया, सभी में से एक एक अंक ले लेंगे, 5 3 15, 15 3 45, तो यहाँ पे कितना हुआ इसका वर्गमूल, 2025 का वर्गमूल हुआ प्लस माइनस 45, ये आपका उत्तर। तो इस प्रकार से हम वर्गमूल निकालते हैं।
आज मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो इसको देखिएगा, समझिएगा दो तीन बार, तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको गुणनखंड विधि से दो संख्याओं के गुणनफल अथवा भागफल का वर्गमूल ज्ञात करना सिखाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।